नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जी हां, सीएसके और केकेआर के बीच में आज दोस्तों आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला खेला गया और आज केकेआर ने ये साबित कर दिया कि वो किस तरह की टीम है, क्योंकि चेन्नई जो कि अब तक की सबसे सफल टीमों में से एक है आईपीएल में, उसको भी आज केकेआर ने मात दे दी है। तो किस तरह से आज का मुकाबला रहा उसकी पूरी हाईलाइट मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज देखने को मिला कि केकेआर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया कप्तान श्रेयस अय्यर ने, और ये डिसीजन बिल्कुल सही साबित भी इन्होंने किया, क्योंकि देखने को मिला कि आज जहां केकेआर के पहले तो गेंदबाजों ने चेन्नई के बैट्समैनों की धज्जियां उड़ा कर रख दी, अगर महेंद्र सिंह धोनी जो कि क्रिकेट के भगवान हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी खिलाड़ी बुरी तरह से फेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा जो कि बेहद ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं वो भी इतना ज़्यादा कुछ कर ना सके। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार आज किस तरह से देखने को मिला चेन्नई की बल्लेबाजी में। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ आए थे जो कि सिर्फ और सिर्फ जीरो पर ही आउट हो गए, अपना खाता भी ना खोल सके, तो वहीं डेवन कन्वे सिर्फ 3 रन बनाकर ही आउट हो गए। ऐसे में चेन्नई की टीम बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रही थी। तभी आए रॉबिन उथप्पा और उथप्पा ने 21 गेंदों पर 28 रनों की एक छोटी पारी खेली, अपनी पारी में 2 चौकों के साथ 2 छक्का लगाया। लेकिन बड़ी दुख की बात रही कि रॉबिन उथप्पा भी अपनी इस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट ना कर सके। इसके बाद रायडू आज रन आउट हो गए सिर्फ 15 रन बनाकर, तो वहीं रविंद्र जडेजा अंतिम गेंद तक टिके जरूर रहे लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंत की गेंद पर ही, यानी लास्ट गेंद पर इन्होंने 1 छक्का लगाया। इसके अलावा रविंद्र जडेजा के बल्ले से और कोई भी बाउंड्री नहीं निकली, जो कि सबसे बड़ी और बुरी बात रही, और इसी वजह से जडेजा सिर्फ 28 गेंदों पर 26 रन ही मार सके। वहीं शिवम दुबे ने 3 रनों की छोटी सी पारी खेली और बहुत ही जल्दी आउट हो गए। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने आज एक बार फिर से अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीता और चेन्नई को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, वरना चेन्नई की टीम यहां तक भी ना पहुंच पाती। और अपनी पारी में धोनी ने 7 चौकों के साथ साथ 1 छक्का भी लगाया। महेंद्र सिंह धोनी ने 38 गेंदों का सामना करते हुए 50 रनों की पारी खेली और इस दौरान उनका जो स्ट्राइक रेट रहा वो 131 का रहा। बात करें अगर केकेआर के गेंदबाजों की, तो आज उमेश यादव को 2 सफलता हाथ लगी, जबकि वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसल को 1-1 सफलता हाथ लगी। शिवम माभी और सुनील नारायण को कोई विकेट नहीं मिला। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरह से केकेआर ने 132 रनों के टारगेट का पीछा किया। दोस्तों आपको बता दें कि आज 132 रनों का टारगेट का पीछा करने के लिए उतरी केकेआर को अच्छी शुरुआत मिली, जहां अजिंक्य रहाणे ने बहुत ही शानदार पारी की शुरुआत दी। तो वहीं वेंकटेश अय्यर आज ज्यादा कुछ खास कर ना सके, वेंकटेश अय्यर 16 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं अजिंक्य रहाणे ने आज 34 गेंदों पर बेहद ही शानदार 44 रनों की पारी खेली, हालांकि अपना अर्धशतक पूरा ना कर सके। अजिंक्य रहाणे ने अपनी पारी में 6 चौकों के साथ साथ 1 छक्का भी लगाया। इसके अलावा नीतीश राणा ने आज 17 गेंदों पर एक छोटी सी 21 रनों की पारी खेली, लेकिन ये भी बहुत जल्द आउट हो गए। फिर कप्तान श्रेयस अय्यर आए थे और सैम बिलिंग्स ने 22 गेंदों पर एक 25 रनों की छोटी सी पारी खेली, अपनी पारी में 1 छक्का और 1 चौका लगाया। तो इसके बाद देखने को मिला कि सैम बिलिंग्स के आउट होते ही शेल्डन जैक्सन और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और अय्यर अंत तक टिके रहे और 19 गेंदों पर 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे और अपनी टीम को इन्होंने बेहद ही आसानी से 6 विकेटों के साथ 19वें ओवर में ही इस मुकाबले को जिता दिया और अभी भी लगभग 9 गेंदें शेष रहीं। तो कुल मिलाकर के आज श्रेयस अय्यर की टीम की जीत हुई है। बात करें अगर चेन्नई के गेंदबाजों की, तो ड्वेन ब्रेवो को 3 सफलता हाथ लगी है, जबकि मिचेल सेंटर को सिर्फ 1 सफलता हाथ लगी है। इसके अलावा कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में सफल नहीं रहा। तो कुल मिलाकर श्रेयस अय्यर की टीम बहुत ही आसानी से रविंद्र जडेजा की टीम को हरा चुकी है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।